हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। एंड गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको ट्रेन सिम वर्ल्ड का गेम प्ले दिखाऊंगा, तो आज मैं वही दिखा रहा हूं। तो सामने जब आप इस गेम को खोलोगे ना, तो आपका जो एक ओवरव्यू है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड पीछे से साउंड भी काफ़ी मस्त आ रहा है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ट्यूटोरियल्स, सिनेरियोस, सर्विसेज, कुछ ऐसा दिखेंगे। एंड यहाँ से आप अपने अकाउंट के बारे में जान सकते हो कि आपका आपके पास कौन सा लोगो होगा, आपका पिक्चर कैसा है। ये है आपका पिक्चर। एंड ये यहाँ से आप ऐसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है मेरे नेम से। तो इसको सिलेक्ट करना, करने के बाद वापस होम पे जाते हैं। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिल जाएंगी, ट्यूटोरियल, सिनेरियो, सर्विसेज। ट्यूटोरियल्स में आपको सबका ट्यूटोरियल मिलेगा कि किस जो सर्विस यहाँ पे होगा वो सब ट्यूटोरियल्स हो गए। ये देखिए, लोकोमोटिव रिफ्यूलिंग भी है। रिफ्यूलिंग मतलब लोकोमोटिव के अंदर में ये जो इंजन है ना, इसके अंदर में हमको डीजल भरना है। तो ये सब ट्यूटोरियल्स है, ये मैं आपको किसी अगले वीडियो में दिखाऊंगा। यार्ड स्विचिंग वगैरह है, फिर लोकोमोटिव टर्न टेबल है, बहुत कुछ है। अगर आप खेलेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, इसमें इंडियन कुछ भी नहीं है, इसमें सारा कुछ फॉरेन का है। भाई चलता है भाई, लेकिन इंडिया में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हमको तो रेलवे अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी रेलवे हो, लेकिन इंडिया का मज़ा कुछ अलग सा है ना। तो कोई बात नहीं, फॉरेन का भी अच्छा लगेगा। वापस एक बार होम में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं सर्विसेज में कैसा कैसा है। सिनेरियोज, सर्विसेज नहीं, सिनेरियोज में क्या क्या है। हेल्पिंग हैंड, मैं कोल वाला खोज रहा हूँ, एक कोल वाला एक एक्टिविटी था, पता नहीं कहाँ गया। ये हेल्पिंग हैंड, फुली फ्यूल्ड कोल वाला कहाँ गया, शायद सर्विसेज में होगा, देखते हैं। चलो नहीं, यहाँ तो नहीं है गाइस। वो कहाँ गया, ये रहा गाइस, ये वाला पावरिंग अमेरिका पार्ट वन, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कोल रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा, पावरिंग अमेरिका। तो चलो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। फिर अभी इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे एंड ई से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लोड होने देते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। एंड गाइस, इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसका सबसे जो बेस्ट पार्ट है ना, इसका ग्राफिक्स है, एकदम इतना रियलिस्टिक ग्राफिक्स बनाया गया ना। अभी आप, मैं गेम चला रहा हूँ ना, आप एक बार एक काम करो, अपना यूट्यूब में आप जो देख रहे हो ना, उसको वीडियो का क्वालिटी को एकदम HD में कर दो, 720p में कर दो, तब आपको ग्राफिक्स जो है ना एकदम अच्छे से दिखेगा, पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा ग्राफिक्स है। तो ये जो सामने अभी दिख रहा है, ये जो आदमी अभी दिखा था, तो इन्होंने ही ट्रेन सिम वर्ल्ड गेम को शायद बनाया था। तो शायद स्टार्ट हो गया गेम। ये देखो, ये है हमारा लोकोमोटिव, कुछ ऐसा दिख रहा है, लिखा हुआ है CSX, और साइड में काफ़ी फॉग हो रखा है। और लोकोमोटिव देखो यार, कितना शाइन कर रहा है, बहुत शाइन कर रहा है। चलो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे अभी ये लोग बोल रहा है कि मुझे जाके कोल को लोड करना पड़ेगा। ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये जो साइड में ये वाला जो दिख रहा है, तो यहाँ से जाके मेरे को कोल लोड करना पड़ेगा अपने वैगन्स पे। वैगन्स मतलब ये जो मेरा पीछे वाला वैगन्स है ना, वहाँ पे लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाके ट्रेन में उठेंगे। चलो मैं पैदल चल रहा हूँ अभी। कितना चमक रहा है देखो यार, लोकोमोटिव काफ़ी चमक रहा है। चलो उठ जाते हैं, ई से ऊपर में उठ जाएंगे। काफ़ी शानदार ग्राफिक्स है यार। चलो देखता हूँ एक बार कि कहाँ जाना है। अटक कैसे गया यार मैं, अच्छा मैं तो यार गलत जगह पे उठ गया। मेरे को पीछे में जाके उठना है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि जो लोको का जो कैबिन है ना, वो पीछे यहाँ मिलेगा। चलो लोको के अंदर वापस अब उठते हैं। ये कुछ और बोल रहा है क्या, पता नहीं, लेकिन लोको के अंदर में उठते हैं। चलो चलो ऊपर में हम लोग उठ गए। एंड अभी मैं यहाँ से जो है ना घुसने की कोशिश करूँगा ट्रेन के अंदर।
चलो मैं पहुंच गया। और अभी दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुल गया यार। आप HD में कर लो अपना वीडियो का क्वालिटी को, HD में कर लो, तभी आपको एकदम रियल वाला फीलिंग आएगा और मज़ा भी आएगा। चलो बैठ जाते हैं इंजीनियर सीट पे। और असिस्टेंट लोको पायलट है क्या? नहीं, मैं अकेला हूँ भाई। दूसरा कोई एक्ट खेलता हूँ तो इधर अंदर में कोई इधर बैठा होता है, यहाँ ये साइड में ना कोई बैठा होता है, लेकिन अभी मुझे अकेला देखे रखा है। चलो सीट में बैठ जाते हैं। बैठ गया सीट में। अभी क्या बोल रहा है? वहाँ सामने की ओर जाना है। अभी जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दिखाएगा वहाँ वहाँ जाना है। ये जो पॉइंट दिखा रहा है ना, ऐसा पॉइंट जहाँ जहाँ दिखाएगा वहाँ वहाँ जाना है। वहाँ पे भी एक कोल प्लांट है, वो मेरे वैगन्स पे कोल डाल देंगी। तो चलो फिर ट्रेन को चलाना कैसे है ज़रा सोचते हैं यार, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। हमारे इंडियन जैसे ही है, देखो हमारे इंडियन के जो EMDs लोको है, WDG4 या WDP4D, तो उनके कंट्रोल्स भी कुछ ऐसे ही है और इसका भी वैसा। एक बार हॉर्न देख लेता हूँ कैसा है। ये तो बेल है, ये सेंडर, ये भी सेंडर है, ये है हॉर्न। ठीक है, अच्छा है हॉर्न। चलो यहाँ से विंडो खोल देते हैं क्योंकि गर्मी तो काफ़ी हो रही है। AC तो है नहीं, AC है क्या? पता नहीं यार, हो सकता है। इसका मैक्स स्पीड है 70 मीटर पर आवर। तो ये ऊपर में ये कैब लाइट है, इसको ऑन कर देते हैं। कैब लाइट को ऑन करेंगे, हाँ चलो ऑन रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। और क्या क्या करना है? तो सबसे पहले ब्रेक्स रिलीज़ करना है। ब्रेक्स कहाँ है? ये है। चलो ब्रेक्स मेरा पूरा रिलीज़ हो चुका है। और दोनों ब्रेक्स को मैंने रिलीज़ कर दिया। ओह अच्छा, मुझे पता चला। मैंने एक्चुअली पहले बार में ब्रेक्स को पूरा अप्लाई कर दिया था, मुझे लगा रिलीज़ हो गया, लेकिन नहीं, अप्लाई कर दिया था। तो अभी क्या करना है? फॉर रिवर्सर को फॉरवर्ड करना है। रिवर्सर कहाँ है ढूंढते हैं। चलो रिवर्सर ये रहा, रिवर्सर इसको मैं एकदम फॉरवर्ड में कर देता हूँ। अभी न्यूट्रल में फॉरवर्ड हो गया। चलो फॉरवर्ड में कर दिया, चलो हो गया। अभी एक बार हॉर्न बजा देते हैं, फिर डिपार्ट करेंगे यहाँ से। बेल बजा देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये था थ्रॉटल। और हमिंग साउंड देखो यार, कितना मस्त हमिंग साउंड है। सामने की ओर देखते हैं। ज़्यादा स्पीड में हमको जाना नहीं, यहाँ का स्पीड लिमिट है आई थिंक कितना होगा, 17 to 18 meter per hour यहाँ का जो स्पीड लिमिट है। तो यहाँ से मैं पहले वहाँ पे शायद जाके रुकना है, एक बार वहाँ पे रुकते हैं। तो मैं थ्रॉटल को वापस आइडल पोजीशन पे कर दिया हूँ। ट्रैक चेंज हो रहा है हमारा, चलो बाहर की ओर चलते हैं। ये देखो गाइस, हम लोग बाहर में आ गए और हमारा जो कोल के वैगन से एकदम बिल्कुल खाली है, तो ये अभी लोड होंगे। चलो गाइस रोक देते हैं ब्रेक्स लगा के। ये देखो गाइस, अभी जो है मेरा जो कोल है वो लोड होगा। तो एक बार के लिए ब्रेक्स को रिलीज़ कर देते हैं। पूरा रिलीज़ हो गया। तो अब एक एक करके कोल लोड करना है। पीछे देख रहे हैं ना आप, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो पूरा एकदम 0% 0% हो गया। वो जितने भी सारे वैगन्स हैं ना, सब में एकदम 0% करके आ गया। जब जब कोल लोड होता रहेगा वो उसमें 100% ऐसा हो जाएगा। जब पूरा कोल लोड हो जाएगा उसमें 100% दिखाएगा। ये देखो अंदर में ये कौन बैठा हुआ है? ये मैं बैठा हुआ हूँ। चलो कम से कम MSG जैसा तो नहीं है, एकदम रियल वाला जो आदमी है ये वैसा लग रहा है। हिल भी रहा है यार, एनिमेटेड है, काफ़ी मस्त है यार। चलो ठीक है, एक बार हेडलाइट जला देते हैं। फॉग है भाई, तो हेडलाइट जला देते हैं। जल गया हेडलाइट्स, ज़्यादा जोर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लो कर देता हूँ, लो बीम ठीक है। और डिच लाइट जला देता हूँ, पहले एक बार अंदर में चलता हूँ। डिच लाइट्स का स्विच कहाँ गया? ये अलर्टर इधर है क्या? ये बैक हेडलाइट्स है, ये फ्रंट हेडलाइट्स है, ये शायद यही होगा शायद।
चलो, जला दिया मैंने ऊपर में कोई काम का स्विच वगैरह। फैन है भाई, फैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग। चलो, फैन का स्पीड मैंने बढ़ा दिया क्योंकि गर्मी हो रही है काफ़ी। तब धीरे धीरे कोल को लोड करते हैं, एक बार हॉर्न बजा के धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पावर हैंडल को थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, तो मैं अब आपको कोल लोडिंग दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे होगा हमारा कोल लोडिंग। ये देखो कैसे कोल लोडिंग हो रहा है, मस्त है यार एकदम। चलो, ज़्यादा कोल लोडिंग हो जाएगा, थोड़ा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर से रुक गए। कोल लोडिंग यहाँ पे एकदम कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं अपना थ्रोटल को बढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे आप कोचेस में वाइब्रेशन देखना। कोचेस नहीं, ये वैगन्स है, फ्राइट वैगन्स, इसमें ना एकदम वाइब्रेशन एक होगा रियलिस्टिक वाला पूरा, वो आप नोटिस करना। यहाँ पे आप देखना, पूरा आपको पता चल जाएगा। चलो, मैं थ्रोटल बढ़ा रहा हूँ अभी। ये देखो, मस्त है यार। चलो, अब दूसरे वैगन पे अभी ये बढ़ रहा है। चलो, फिर सामने आ जाते हैं यहाँ पे। अरे यार, लगता है लोड नहीं हुआ पूरा, कुछ ज़्यादा स्पीड हो गया यार, हमको फिर से रुकना पड़ेगा। वापस लेके आना पड़ेगा। देखो, पीछे वाले कुछ में 71% भरे हैं, किसी में 11%, तो पूरा 100% का भरना था। तो वापस अब रिवर्सर को पूरा रिवर्सर में करते हैं। ब्रेक्स को रिलीज़ किया। यार इतना आसान नहीं यार, हार्ड है खेलना। चलो, थ्रोटल लगाते हैं पीछे की ओर। ये देखो कैसे एकदम धक्का मारा पूरा, एकदम रियल वाला। नहीं तो मैं आपको एक बार यहाँ पे रोक के दिखाता हूँ। यार व्हील्स में शाइन देखो यार, फ्राइट के जो व्हील्स है ना इसमें, ये देखो कितना मस्त शाइन आ रहा है, एकदम रियल वाला। तो चलो गाइस, अभी रिलीज़ करता हूँ मैं ब्रेक्स को। रिलीज़ कर दिया एंड अभी पीछे की ओर जाते हैं फुल थ्रॉटल। फुल थ्रॉटल नहीं, हल्का सा थ्रॉटल देते हैं। एंड कैसे ये एकदम स्ट्राइक करेगा वो देखो आप, कोचेस वैगन्स के बीच में। क्या हो रहा है पता नहीं। चलो, मैं थ्रोटल लगाता हूँ पूरा एकदम। चलो, थ्रोटल तो मैं दे रहा हूँ लेकिन ये जा नहीं रहा है। सही में यार, हार्ड है यार। ये देखो, ये धक्का लगा रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। चलो, धीरे धीरे सब में जो है कोल लोड हो रहा है। बहुत हार्ड है यार, काफ़ी हार्ड है एकदम। ट्रेन का जो स्पीड है ना, उसको आपको एकदम कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब जाके 100% जो है लोड होगा कोल। जैसे कि अभी मैंने पूरा ब्रेक्स अप्लाई कर दिया है। चलो, ये 98%, 99%, 100% ये हो गया। अब पूरा ब्रेक्स मैं रिलीज़ कर दूंगा वापस से। ये देखो, अब मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा स्पीड हो गया इसमें, बहुत ज़्यादा लोड नहीं हुआ है। चलो, 100% हो गया इसमें। एकदम धीरे धीरे जो है इस एकदम धीरे धीरे जो है मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से देखो, ये देखो कैसे कोल अंदर में भर रहे हैं। सेम, इसका डायनामिक्स वगैरह सब कुछ काफ़ी मस्त तरीके से एकदम किया गया है। इसमें लोड हो गया, अब
पीछे में लोड हो रहा है। चलो ऐसे करके इसको पूरा लोड होने देते हैं एंड मैं चला जाता हूँ अभी सामने में ये कैब में। देखो हम लोग धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं, पीछे में सब धीरे धीरे एकदम लोड हो रहा है। इसे मैं इंजन ब्रेक से कंट्रोल कर रहा हूँ, ट्रेन ब्रेक से नहीं, इंजन ब्रेक से कंट्रोल कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे ये कैब में ना सारे चीज़ें एनिमेटेड है, मतलब आप पूरा लोको को जो है ना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ देर पहले भी लोको बंद हो गया था, मैंने स्टार्ट किया था, तो पूरा एकदम कर सकते हो आप पूरा स्टार्ट वगैरह। एंड यहाँ पे ये देखो, अगर आपको सनरेज ज़्यादा आपके आँखों में पड़ रही है, मान लो सूरज का जो रोशनी है वो ज़्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पे सामने आप गार्ड भी लगा सकते हो इसको, सनवाइज़र। ये देखो ये ऐसे लग गया, वापस मैं रख देता हूँ। यहाँ पे ये वाइपर्स भी आप चला सकते हो, यहाँ से ऑन होंगे वाइपर्स। ये देखो चालू हो गए, उस साइड का क्यों नहीं चालू हुआ? अच्छा दोनों स्विच है, चलो अब वो भी चालू हो गया। नहीं अभी वो तो चालू नहीं हुआ है, ख़राब होंगे उस साइड वाले, शायद ख़राब हैं या फिर उस, हाँ वो उस साइड के स्विच से चलेंगे। ये देखो, अच्छा मुझे लगा एक ही जगह से दोनों कंट्रोल होगा। चलो कोल लोड हो रहा है ना सब? हाँ एकदम बिल्कुल अच्छे से सब लोड हो रहा है पीछे, उसको होने देते हैं। एंड मैंने पूरा 3D कैब आपको दिखा दिया, तो ट्रेन सिम के, तो ट्रेन सिम वर्ल्ड का वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, यहीं तक रहने देता हूँ। एंड आप बस मुझे ये बताना कि आपको इसका ग्राफिक्स कैसा लगा यार, काफ़ी मस्त शानदार और रियलिस्टिक ग्राफिक्स है। अंदर में भी देखो सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हो आप, वहाँ पे एक असिस्टेंट बैठा रहता है आपका, लेकिन यहाँ इस एक्टिविटी में नहीं है, पता नहीं क्यों, सब कुछ एनिमेटेड है इसमें। चलो एक बार बाहर चलते हैं एक बार के लिए। ये देखो हम लोग आ गए बाहर, पास में चलते हैं हमारे लोगों के CSX। ग्लेज देखो यार कितना मस्त ग्लेज मार रही है, एकदम रियल वाला ग्लेज है पूरा। चलो और पास चलते हैं, और ये आप देखो इधर स्मोक कैसा आ रहा है, स्मोक दिख रहा है गाइस? स्मोक देख पा रहे हो आप? रुको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखो अब दिख रहा है क्या गाइस? स्मोक एकदम रियलिस्टिक वाला है, पूरा रियल वाला है। और ब्रेक्स के साउंड भी काफ़ी मस्त है यार, काफ़ी मस्त बनाया गया है इस गेम को यार। अब तो इंडियन का जो एडेंस है वो वेट करना पड़ेगा कि कब आएगा ट्रेन सिम वर्ल्ड के लिए। वैसे भी इसका जो बिल्ड प्रोग्राम है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, जैसे कि रेलवर्क्स और MST इसका हो चुका है, लेकिन इसका बिल्ड प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ। जैसे ही लॉन्च होगा लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इंडियन का पता नहीं कब बनाएंगे लोग। सामने लाइट जल रहे हैं क्या? लगा मुझे ऐसा, नहीं लाइट्स तो नहीं जल रहे, जला देते हैं फिर। चलो हो गया। तो गाइस आप मेरे को ज़रूर बताना कि आज का ये गेम प्ले आपको कैसा लगा, इसका ग्राफिक्स कैसा लगा, एंड ये लोकोज एडन्स ये सब कैसा लगा आपको। एंड नेक्स्ट टाइम से यार MST इसका वीडियो छोड़ूंगा, ये ट्रेन सिम वर्ल्ड मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा इस बार का वीडियो, नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेंगे ट्रेन सिम वर्ल्ड का, नहीं तो यार MST जिंदाबाद, MST ही छोड़ेंगे। तो गाइस बता देना कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक ठोक देना। एंड गाइस अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लो यार, क्योंकि ट्रेन्स के वीडियोस तो मैं छोड़ते रहूँगा, देर तो हो ही रहा है लेकिन मैं छोड़ दूँगा। एंड तो ठीक है गाइस, मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो पे, तो तब तक के लिए सायोनारा और बाय।